कर रही हूँ, इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। और जो कलर दिया है वो नेचुरल है, और आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। बिना कलर के भी रोल बनाए जा सकते हैं। मैंने लिए मूंगफली के नट्स, आप देख सकते हो, और एक बाउल मूंगफली के नट्स लेंगे और इनको पानी में भिगो करके 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो पहले 2 से 3 पानी से इसको वॉश करेंगे अच्छे से, फिर इसको भिगो करके छोड़ देंगे लगभग 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे में ये अच्छे से भीग करके ना तैयार हो जाते हैं, और जैसे हम बादाम छीलते हैं ना वैसे इनका छिलका भी रिमूव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 घंटे के बाद इसे निकालेंगे, देखेंगे कि इसका जो छिलका है क्या वो उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से भीग चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है, जो डार्क कलर था ना वो लाइट हो गया है, और अब इसका छिलका भी रिमूव हो रहा है। तो अच्छे से हम इसको छील पाएंगे। तो सारे जो बादाम हैं इनको छील करके, मूंगफली के बादाम छिलके को उतार देंगे और इनको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक बादाम को छील करके तैयार कर लिया है, और अब हम इसको पीसेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 8 पीस काजू। ये एकदम से साफ बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो जार के अंदर पहले सारे नट्स को डाल देंगे, और उसके बाद डालेंगे 8 पीस मैंने काजू भिगो के रखे हुए हैं इसी तरह से, और इसके अंदर थोड़े से मैंने डाले हैं मगज के बीज। तो थोड़े से मगज के बीज लीजिएगा लगभग 1 छोटा चम्मच, और उनको भी काजू के साथ में भिगो दीजिएगा, फिर इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिएगा। और 3 से 4 पीस मलाई डालिएगा इसके साथ में, मलाई ना हो तो दूध का यूज कर सकते हैं, और अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने लगभग 1 चम्मच मगज के बीज डाल करके इनके साथ में मिक्स कर दिए हैं, ये सब भीगे हुए हैं, और अब फाइन सा पेस्ट इनका तैयार कर लेंगे। बिल्कुल एकदम से बारीक भी नहीं पीसेंगे और एकदम मोटा भी नहीं पीसेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 छोटे चम्मच डाल रही हूँ मलाई वाला दूध, और फिर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और पेस्ट को तैयार करके सीधा कढ़ाई में डालेंगे सेकने के लिए। तो सारा हमारा बैटर आप देख सकते हो इस तरह का पीस करके तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बैटर तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा कढ़ाई को घी से चिकना कर लेते हैं, और इसके अंदर ये सारा पेस्ट डाल देते हैं, और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको सेकेंगे। इससे पहले मैं डाल देती हूँ शुगर। शुगर आपको कितना डालना है, जितना हमने मूंगफली के दाने लिए थे ना उससे थोड़ा सा कम शुगर डालना है। जैसे मूंगफली के दाने 100 ग्राम हो तो आप 70 से 80 ग्राम शुगर डाल सकते हैं। इसी क्वांटिटी से आप अपना मेजरमेंट बना लें, जितने आप मूंगफली के नट्स ले रहे हो उससे लगभग 20 से 30 ग्राम कम। जैसे 100 ग्राम मूंगफली के दाने तो 80 ग्राम आपको शुगर डाल के और अच्छे से इसको मिक्स करना है, फिर चलाते हुए सेकना है। दोस्तों मुझे इसको सेकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं आपको 2 सीक्रेट बताने वाली हूँ। जो बादाम की बर्फी या काजू की बर्फी बनाते हैं ना प्योर वाली, उसको भी इसी तरह से सेका जाता है, वो पीठी भी इसी तरह से सेकती है, और शुगर डाल करके बस उसको सेकते चलाते हुए सेकते रहना है। और उसको सेकने का टाइम होता है लगभग आधे घंटे से 50 मिनट तक उसको सेकना होता है एकदम स्लो फ्लेम पे। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि हमारा जो ये बैटर है अच्छे से सीका या नहीं सीका, वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगी, जिससे आप कभी बादाम या काजू की बर्फी बनाओ तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब ये काफी देखिए नीचे से बिल्कुल छोड़ रहा है कढ़ाई, अभी पूरा नहीं छोड़ा है पैन ने, तो मतलब अभी थोड़ी ही कमी है इसके अंदर। जब ये पूरा अच्छे से सीख जाएगा ना, लगभग 20 से 25 मिनट सेकने के बाद अच्छे से सीख जाता है। तो सेकने के बाद इसकी पहचान क्या होती है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि कैसे पता चलता है कि बैटर सीका या नहीं सीका। तो बस ये ध्यान रखना है, अभी आपको कंटिन्यूसली चलाते हुए 25 मिनट तक सेकना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और इसको चेक करने का तरीका अब आप देख सकते हैं, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे सेकते हुए। तो अब मैं इसकी बोल बना करके चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए बोल अच्छे से बन रही है, मतलब हमारा बैटर अच्छे से सिक चुका है। तो जब बैटर अच्छे से सिक जाए तो इसके अंदर क्या करना है, आपको थोड़ा सा काजू का एसेंस अगर आपके पास है तो मिक्स कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा काजू का एसेंस है तो मैं 1 ड्रॉप काजू के एसेंस की डाल देती हूँ। तो 1 ड्रॉप आपको काजू के एसेंस की डाल देनी है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है
और गरम कढ़ाई में आप इसे अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर बैटर को थोड़ा ठंडा करेंगे। तो बस दो ही सीक्रेट का ध्यान रखना है। पीसते समय आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है, चाहे तो थोड़ा सा दूध का या फिर मलाई का यूज करना है। दूसरी बात है, इसको 25 से 30 मिनट या 20 मिनट, कम क्वांटिटी हो तो 20 मिनट में भी सीख करके तैयार हो जाता है, और हमारे जितनी क्वांटिटी हो तो 25 मिनट लगेंगे, और इसे ज़्यादा क्वांटिटी हो तो थोड़ा टाइम और लग सकता है। बटर पेपर पे निकाल लिया है। बैटर बहुत ही अच्छे से तैयार होया हुआ है। तो अब हम इस बटर पेपर, बैटर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आधा बैटर लिया है मैंने, इसके अंदर ये देखिए ये थोड़ा येलो सा कलर हो जाएगा इस तरह से, तो थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रोल बनाने के लिए पूरे बैटर को दो पार्ट में डिवाइड करें, उसके बाद में ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो पहले कढ़ाई के अंदर इसको मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने फूड कलर को अलग से मिक्स किया है। जितना आपको लगे ना, जैसा आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप फूड कलर मिक्स कर लें, इस तरह से ऑरेंज कलर। तो ये मैंने इसको इस तरह से मसल करके तैयार कर लिया है फूड कलर। थोड़ा सा जो भी कलर आप डालना चाहें ना, वो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं बैटर के अंदर, जिस कलर के आपको रोल पसंद हो ना उस हिसाब से। तो ये देखिए, ये जो है वो बन गया है। अब हम इसकी बराबर की लोई तोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैं तीन लोई तोड़ रही हूँ, मैंने तीन लोई तोड़ ली है। और उसके बाद में लोई को इस तरह से करना है। तो अब हम इसके तीन पार्ट्स करेंगे सेम उसी तरह से। और एक इस तरह से लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद आपको इसको इस तरह से करना है। और इतना सा ये बोल करनी है आपको येलो कलर वाली, इसको इसके अंदर डालना है, इनको हटा देना है। अब आपको इसको इसके अंदर ऐसे ऐसे दबाते हुए ऐसे बोल बना लेनी है। और बोल बनाने के बाद हम इसको ऐसे ऐसे बना लेंगे। आपको जितने मोटे या पतले रोल पसंद हो ना, उस हिसाब से आप इसको बेल करके तैयार कर लें। और बेलने के बाद फिर हम इसे फ्रीज में रख सकते हैं। सॉरी, फ्रिज में ना रखें इसको, क्योंकि फ्रिज में जो स्वीट्स होती है ना वो खराब हो जाती हैं, इसलिए हम इसे बाहर ही रोल करके और रख देंगे। तो ये रोल हमारा बिल्कुल से तैयार है, देखिए इतने बड़े। इसी तरह से हम अपने तीनों रोल्स तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने सारे रोल प्रिपेयर कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से रोल होते हैं। तो अब हम इन्हें कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ सकते हो, उसके बाद में कटिंग कर सकते हो, चाहे तो तुरंत इसको कटिंग कर सकते हैं।
तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी बराबर में कटिंग करेंगे। पहले हम इसको निकाल करके और एक रोल कटिंग करेंगे और उसके बाद में इसके बराबर के सारे रोल्स जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करना बिल्कुल सिंपल है, बस बनाने का तरीका, जो रोल कितने आसानी से बनते हैं आपको पता है। दो बोल्स बना लीजिए और एक बोल के अंदर एक बोल डाल इंसर्ट करके उसको लंबा लंबा बेल लीजिए और उसके बाद में आप चाहे तो थोड़ी देर बाद में या चाहे तो तुरंत ही आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से रोल बन करके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको वर्क से गार्निशिंग करें। वर्क कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है। इसे कुछ लुक है जो सुंदर दिखता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी बहुत ही कम खर्चे वाले ये रोल ज़रूर बनाइएगा। हैप्पी दीपावली, थैंक यू।